महाराज जी, सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी, जिन्होंने फागुन मास में कृष्ण पक्ष के षष्ठम दिवस विशाखा नक्षत्र सन 1920 में लाहौर प्रांत के हनीवाल जिला के दीवान हवेली नाम के गांव में अवतार लिया, तो उनके जो परिवार रहा वो प्रभु भक्ति में उत्प्रोत रहे। तभी अपने पिता के जैसे महाराज जी बहुत अनुशासन प्रिय थे, और जैसे पिता पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्य को निभाते थे, हमने पूरे जीवन देखा। महाराज जी बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय थे। महाराज जी जो कार्य लेते थे उसको पूरा रूप देते थे। कोई भी कार्य महाराज जी बहुत निष्ठा और लगन के साथ करते थे। ये आगे आगे जैसे हम लोग महाराज के जीवन पढ़ेंगे, इन सारी बातों का प्रकाश हमें जानने को मिलेगा। जैसे माता पिता ने करने वाले संत की सेवा करके उनसे ये वर मांगा कि हमारा बच्चा प्रभु भक्त विनम्र और धार्मिक होने के अतिरिक्त गृहस्थी हो, गृहस्थ में रहकर निर्लेप रहे और दूसरों को उसागर पार करने वाला हो। यानी कि उन्होंने माता पिता ने माता रतन देवी और पिताजी लालचंद जी ने संतों से सीधा गुरु की प्राप्ति का है के लिए गुरु और पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हो जाए, उन्होंने ऐसे प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। और जब उन्होंने महाराज जी फरमाते थे कि जब संत ने महाराज जी की माता जी रतन देवी जी को आशीर्वाद दिया कि जैसे आपने संकल्प किया प्रभु आपके संकल्प पूर्ण करे, आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही फिर महाराज जी ने कश्यप जन्म हुआ सन 1920 में। इनके पिताजी के बारे में महाराज जी फरमाते थे कि महाराज जी के पिताजी इतने ईमानदार, नेक और सदाचारी करते परायण एक सेवक थे, एक कर्मचारी थे जो पुलिस के पद में, पुलिस की सेवा में रत थे। उनके बारे में महाराज जी बताते हैं कि एक बार आपके पूज्य पिताजी लाला लालचंद जी अपनी पुलिस सेवा के दौरान रात्रि गश्त लगा रहे थे। उनकी नजर अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी जो तेजी से एक भैंस को हाँकते हुए ले जा रहा था। मुझे पिताजी को संशय हुआ क्योंकि जो शुद्ध आत्माएं होती हैं वो उनको एक अंतर ज्ञान हो जाता है। आत्मा की शुद्धता से मेरे अंदर एक ऐसी ईश्वरीय ताकत शक्ति आ जाती है कि हम दूसरे के व्यवहार को देखकर उसके बारे में हमें कुछ इंट्यूशन हो जाता है, पहले ज्ञान हो जाता है, बड़ी निष्ठा कि वो और जो भैंस को हाँकते ले जा रहा था, तो पूज्य पिताजी को संशय हुआ ये व्यक्ति भैंस को जरूर चोरी करके ले जा रहा होगा। उनको इंट्यूशन हो गई। उससे पूछने पर सही उत्तर ना मिलने पर अपने उस व्यक्ति को भैंस सहित एक स्थान पर बांध दिया और अपना कर्तव्य पूरा करके आने तक वहीं बैठे रहने को कहा। जब तक मैं
अपनी ड्यूटी पूरी करके आता हूँ, जब तक तुम बैठे रहो। ये उनकी ड्यूटी थी कि नाइट में ड्यूटी देना, उनको संशय हुआ ये जरूर चोर होगा जो भैंस को इतनी तेजी से ले जा रहा है। कर्तव्य पूरा करके अपने दोनों को थाने ले जाकर अपने अफसर के सामने पेश किया। ये तो पुलिस इंस्पेक्टर थे, और इन्होंने फिर डीएसपी के आगे उस दोनों को, उस व्यक्ति को और भैंस को पेश किया। आपके अफसर ने भैंस के साथ आते हुए अपने अफसर यानी के एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब को पहचान लिया और खड़े होकर उन्हें सलाम करने लगे। मतलब वो जो व्यक्ति भैंस को तेजी से हांकते हुए ले जा रहा था, वो असल में चोर नहीं था, वो एसपी थे। वो इनकी कर्तव्य निष्ठा को चेक करना चाहते थे, इनकी ईमानदारी को चेक करना चाहते थे, ये कितने ड्यूटीफुल है, इतने नेक है, इतने ईमानदारी है। तो जब डीएसपी साहब ने पहचान लिया तो एसपी साहब है भैंस को लेके आ रहे हैं, तो खड़े होकर उन्होंने अपने अफसर को हाथ जोड़ा। एसपी साहब ने पूछे कि लालचंद जी की कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें इनाम में पदोन्नति दे दी। ऐसे महान पिता के हमारे गुरुदेव पुत्र रूप जन्म लिया पिता के गोद में। आप अपनी दिनचर्या में गायत्री मंत्र का जाप, हमारे महाराज जी गायत्री मंत्र का जाप क्या करते थे, हनुमान चालीसा, गुरु मंत्र का जाप, ध्यान योग का अभ्यास आदि के अतिरिक्त योग वशिष्ठ का भी पाठ किया करते थे। जब तक गुरु नहीं मिले तब तक तो खाली हनुमान चालीसा और योग वशिष्ठ का पाठ करते थे। गुरु मिलने के बाद गुरु मंत्र का जाप, ध्यान योग नित प्रति उसका अभ्यास करते थे। जिन्हें गुरुदेव को अक्षर ग्रंथों की पाठ की सेवा मिला करती थी। महाराज जी फरमाते थे मेरे पिताजी योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ है बहुत सुनते थे और महाराज जी से सेवा लेते थे कि बेटा देवीदयाल चलो योग वशिष्ठ का पाठ करो। तो उस योग वशिष्ठ के पाठ का पूरा प्रभाव महाराज जी के जीवन में पड़ा। जैसे भगवान राम आत्ममय हो गए, उनको संसार से मेरे को मिला, उनको संसार से विराग हो गया और उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव ने भी अपने गुरु की कृपा से आत्मसात किया और तभी वो महाराज जी नरचोला में भी संसार में निर्लेप होकर विचरती थी। हम सभी से प्रेम करती थी, हम सभी की रक्षा करती थी, जितने भगत समाज सबके ऊपर दया करते थे, परंतु सब कुछ करते कराते भी महाराज जी बिल्कुल निर्लेप रहते थे। उसका गहरा प्रभाव गुरुदेव के जीवन में बाल्यकाल से ही पड़ा। हम भक्तों से भी गुरुदेव योग वशिष्ठ भगवत गीता महादेव रामायण आदि ग्रंथों का पाठ कराया करते। जब मैं अध्यात्मिका की नौकरी के अवकाश पर भामाशाह मार्ग स्थित योग मंदिर में जाया करती थी, गुरुदेव ये सेवा मुझ अवध को बख्शते रहे और मुझ नादान को रूहानियत का आनंद मिलता रहा। जब मार्गे चरणों में ये पाठ करते थे मारे मस्ती से सुनते थे और हमें बड़ा आनंद आता था। गुरुदेव का आसपास का वातावरण हर पल रूहानी रहा करता और शरण में आने वाले प्रत्येक भगत को ये रूहानियत खुराक मिलती रही। मैं देखती थी कि सुबह से शाम गुरुदेव के श्री चरणों में आने वाले भक्तों का नाता बना रहता। प्रत्येक भगत पर गुरुदेव कृपामय आशीर्वाद बरसाते रहते। धार्मिक एवं
भक्तिमय परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से गुरुदेव का मन भजन कीर्तन पूजा अर्चना ईश्वर प्रेम सत्संग आदि में रमता रहा। विद्या अध्ययन की ओर आपकी विशेष रुचि नहीं रही, फिर भी माता पिता की आज्ञा आशीर्वाद से आपने संसारिक मर्यादावश 8वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर ली। अध्ययन काल में ही आपको उर्दू, हिंदी, फारसी, पंजाबी आदि भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया। आपकी रितंबरा प्रज्ञा बचपन से ही जागृत थी। आप जैसे महान योगी संत को संसारिक विद्या अध्ययन का प्रयोजन भी किया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। ये जो आज का सत्संग ये केवल महाराज जी का शुभ जन्म और धार्मिक परिवार के बारे में, आज के सत्संग से आपको ये ज्ञान हो गया कि महाराज जी का शुभ जन्म सन 1920 में होता है, तिथि कौन सी, फागुन मास, विष्णु पक्ष। महाराज जी का बाल्यकाल कितना सुंदर रहा, माई का परिवार कितना धार्मिक रहा, पिता और माता दोनों कितने धर्मपरायण रहे, महाराज के पिताजी कितने सच्चे, ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा एक कर्मचारी रहे, पुलिस विभाग में वो सेवा करते रहे और बचपन से ही उन्होंने महाराज जी के अंदर ईश्वरीय वातावरण के संस्कार डाल दिए, जैसे ग्रंथों का पाठ करना, मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना और उन ग्रंथों में भगवद गीता का पाठ करना, उन ग्रंथों में का जो प्रभाव इस प्रकार महाराज जी के जीवन में पड़ा और महाराज जी हमें प्रभु रूप मिले, गुरु रूप मिले। आज भी महाराज जी प्रभु रूप में हम सभी के साथ हैं और हम सभी के अंदर बैठकर सभी कार्य महाराज जी अपनी कृपा करना आशीर्वाद से करा रहे हैं। इतने कहते हुए आज के सत्संग को विराम देंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, कुलकेश्वर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की।